नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबिता रयाल। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नई टीवी बौराड़ी पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत पर प्रशासन की लापरवाही पड़ी भारी। लक्सर में दिव्यांग खिलाड़ियों ने निकाली स्कूटर रैली। मसूरी के कैंपटी फॉल में अचानक जलस्तर बढ़ने से कैंपटी फॉल में मची अफरा तफरी। आज भू कानून की मांग पूरे उत्तराखंड में जोर पकड़ चुकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुहिम को सबसे पहले शुरू करने वाली संस्था एक यूके टीम ने 14 अगस्त को सोमेश्वर, बगवाली, पोखर और द्वारा घाट में मार्च निकाला और सामाजिक जागरूकता के लिए पर्चे भी बांटे गए। एक यूके टीम के संस्थापक दिनेश सिंह बिस्ट जी ने बताया कि अब भू कानून, मूल निवास 1950 और हर परिवार से एक नौकरी की मांग सभी पहाड़ी जिलों में फैल चुकी है। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक लोगों ने, खासकर युवाओं ने, इन तीन मांगों का जबरदस्त समर्थन किया है। कल राजधानी देहरादून से लेकर पूरे कुमाऊं और गढ़वाल में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार को और सभी कैबिनेट मंत्रियों को विभिन्न माध्यमों से ज्ञापन पहले भी कई बार दिया जा चुका है। नमस्कार, मैं अनिता मंगाई, महापौर नगर निगम ऋषिकेश। समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी भी बौखलाए हुए से हैं। अब त्रिवेंद्र अपनी ही पार्टी के हाई कमान पर सवाल उठा रहे हैं और सीएम पद से उन्हें क्यों हटाया, इसका जवाब भाजपा हाई कमान से मांग रहे हैं। त्रिवेंद्र का कहना है कि जब कोई सीएम हटाया जाता है तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। अब ये पार्टी लीडरशिप की जिम्मेदारी है तो आवाम को इस सवाल का जवाब दें। आपको बता दें कि मार्च महीने में भाजपा हाईकमान ने त्रिवेंद्र को अचानक मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया था। कुछ समय तक तो त्रिवेंद्र शांत रहे, लेकिन कुछ समय बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार अपनी ही पार्टी के फैसलों पर कटाक्ष करके भाजपा का रायता फैलाने में मशगूल हो गए हैं। त्रिवेंद्र का कहना है कि जब कोई मुख्यमंत्री हटाया जाता है तो सवाल खड़े होते ही हैं। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं को फैसले का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जब हटाए जाने पर सवाल खड़े हो रहे हों तो इसका जवाब देने की जिम्मेदारी खुद सरकार की है। अध्यक्ष जिला पंचायत बागेश्वर, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर समस्त जनपदवासियों को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं करती हूँ। मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, पूरे बागेश्वर जनपद वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी की लड़ाई आंदोलन के तौर पर करी, उसी तरह कहीं ना कहीं हमको एक स्वतंत्र भारत में रहने का सपना हमको दिया, तो निश्चित तौर पर मैं आने वाले पूरे देशवासियों से, प्रदेशवासियों से उस आज़ादी को समझने का प्रयास करें, उन आंदोलनों को, उन बलिदानों को समझने का प्रयास करें जिनसे हमको, देश को आज़ादी हासिल हुई। बद्रीनाथ धाम में वैदिक पूजाओं के साथ नर नारायण की जयंती का समापन हो गया है। समापन से पहले वैदिक मान्यता अनुसार नर नारायण लीला ढूंगी में जाकर भगवान बद्रीनाथ की स्तुति करते हैं। इस बार लीला ढूंगी में, जहां पर बद्रीनाथ जी ने बालक रूप में पृथ्वी में मानव अवतार लिया था, वहां तक डोली ले जाने की प्रक्रिया पर कुछ हक हुकधारियों ने विरोध दर्ज किया है। जैसे देवस्थान प्रबंधन अधिनियम 2019 अपने अस्तित्व में आया, तब से लगातार अपनी कुप्रबंधन का शिकार रहा। अपने अस्तित्व में आने के पहले ही वर्ष में इन्होंने भगवान बद्र विशाल के कपाट खोलने की जो तिथि थी उसमें इन्होंने परिवर्तन कर दिया। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने की तिथि को परिवर्तित कर दिया गया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित परंपराओं के साथ आज से पहले कभी ऐसी कोई छेड़खानी नहीं की गई थी। इन्होंने पहली बार आकर के उसकी तिथि में परिवर्तन किया। फिर अभिषेक की जो समय है, जो 4 बजे से शुरू होता है, उन्होंने SOP के नाम पर अभिषेक का समय बदल करके उसको 7 बजे कर दिया। फिर ऐसे ही इन्होंने भगवान नरसिंह मंदिर में, जो जोशीमठ में स्थित है, वहाँ की जो भोग की व्यवस्था है उसको नहीं कर पाए, तो लोगों ने अपने घरों से ला करके, अपने वहाँ चावल के कट्टे ला करके, वहाँ की जो भोग व्यवस्था है उसको बना के रखा।
इस तरह से इस बार अब पता चल रहा है कि इस समय जो कि कल भगवान बद्री विशाल में वहाँ पर जो नरनारायण जयंती थी, कल उस जयंती में जो भगवान नरनारायण जो अपनी डोली में अपनी माता से मिलने जाते हैं, उस डोली में उन्होंने जो उठाए हुए हैं वो लोग जो कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से पता चल रहा है, जो फोटो हमारे सामने हमको प्राप्त हो रही है उसमें साफ पता चल रहा है कि वो लोग जूतों में और पैंटों में उठाकर उस डोली को लेकर जा रहे हैं। आज से पहले ऐसे कभी भी व्यवस्थाओं की शिकार कभी नहीं रही है कि कमी थी। आज से पहले भी तो BKTC उस व्यवस्था को चलाती थी और सुचारू रूप से चलती थी, उसमें कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं थी और उस सारी परंपराओं का निर्वहन किया जाता था। अब ये लगातार जब से ये देवस्थान प्रबंधन अधिनियम अपने अस्तित्व में है, लगातार कुप्रबंधन का शिकार रहा है, लगातार हमारी सनातन परंपराएं, उसकी व्यवस्थाएं, उसकी संस्कृति के साथ लगातार छेड़खानी हो रही है। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गोपेश्वर के युवाओं ने बाइक रैली निकाली, जिसमें जोश और उत्साह के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय युवक और युवतियां शामिल हुए। बाइक रैली को पूर्व जिला पंचायत सदस्य उषा रावत ने हरी झंडी दिखाई। बाइक रैली का नेतृत्व अमित नेगी, विपिन कंडारी, मुनियाल, मनु बडवा, खुशी प्रताप ने किया। उन्होंने बताया कि भाईचारा और एकता को प्रदर्शित करने वाली रैली सुबह 8 बजे पोखरी बैंड से निकाली गई, जो पठियालदार हल्दा पानी से होते हुए सुभाष नगर कॉलेज गेट पुलिस लाइन जीरो बैंड कर्ण प्रयाग टैक्सी स्टैंड थाना गोपेश्वर मुख्य बाजार होते हुए 10 बजे गोपीनाथ मंदिर में खत्म हुई। आज स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर अशोक कुमार पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा पुलिस मुख्यालय प्रांगण में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी गई। अशोक कुमार ने उपस्थित समस्त पुलिस बल को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई और सभी पुलिस कर्मियों से अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा और लगन से निर्वहन करने का आह्वान किया। चमोली जिले के देवाल विकास खंड के लवाणी गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बिछाई गई पाइपलाइन से ग्रामीणों को पानी की आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। वहीं पुरानी पेयजल लाइन पर छेड़छाड़ से जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों ने सभी को इससे जोड़ने की मांग की है। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ब्लू राइडर ऋषिकेश ने साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ अमर शहीदों की जय भारत माता की जय नारे के साथ सुबह 5:30 बजे PWD गेस्ट हाउस से एकत्र होकर लगभग 20 किलोमीटर नगर भ्रमण कर भव्य प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी का शुभारंभ नगर के उद्यमी अजय गर्ग, नितिन गुप्ता, मानव जोहर, शैलेंद्र बिस्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि देशभक्ति के गानों के साथ विभिन्न मार्गों पर निकाली गई। आज डाइट DLED प्रशिक्षित गौरव यादव द्वारा डाइट DLED की नियुक्ति के लिए 30 किलोमीटर की मैराथन दौड़ देहरादून शहर के अंदर लगाई गई। गौरव यादव स्वयं डाइट हरिद्वार से प्रशिक्षित हैं और उनका कहना है कि यदि सरकार प्रशिक्षकों की नियुक्ति नहीं करती तो वो पूरे उत्तराखंड का चक्कर लगाएंगे। आज रमा प्रसाद घड़ियाल पहाड़ी फाउंडेशन द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देहरादून के चूना भट्टा स्लम में स्वच्छता अभियान चलाया गया और ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रीय गान करवाया गया और बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया गया। महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मसूरी में विद्यालय के संस्थापक पूज्य महात्मा योगेश्वर जी का जन्म शताब्दी वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्री गांधी निवास सोसाइटी के पदाधिकारी और प्रधानाचार्य ने मां शारदा और योगेश्वर जी के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चना कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। मसूरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मसूरी MPG कॉलेज में बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रांत मंत्री काजल थापा द्वारा बताया गया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वाधीनता दिवस के अवसर पर संपूर्ण प्रदेश में एक गांव एक तिरंगा अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 4,675 स्थानों पर हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण का कार्यक्रम करेंगे और लोगों को आजादी के महत्व को बताने का प्रयास करेंगे। भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं और वो अलग अलग मान्यताओं को मानते हैं। हिंदू धर्म की बात करें तो मंदिरों में लोग देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, तो वही कांडा तलगाड़ के इष्ट देव के मंदिर पूजा अर्चना हुई और साथ ही घरों से लाए हुए पूजा अर्चना की सामग्री भगवान को समर्पित की गई। वहीं इष्ट देव के मंदिर के पुजारी केशव दत्त कांडपाल सहयोगी रामदत्त कांडपाल ने फूल फल और घी दूध दही का भोग लगाया। मंदिर की पूजा अर्चना में भीमताल के विधायक राम सिंह कैड़ा भी शामिल हुए, साथ ही मंदिर में 2.5 क्विंटल घी का हवन किया गया। आज में अपने ओखलखाड़ा ब्लॉक का बॉर्डर एरिया है, हमारा कांडा कुलोन
बिगौली के क्षेत्र और धैना के आसपास बसा हुआ जो गांव है उसके बगल में हमारा एड़ी का मंदिर है और जिसको भैंसिया एड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आज मैं वहाँ पहुँचा हूँ और ये मंदिर एक साक्षात मंदिर है और यहाँ पर अगर किसी के जानवर को कोई नुकसान होता है, अगर इस भगवान के दरबार में अगर प्रार्थना अगर वो व्यक्ति करे तो वो मन्नत उनकी पूरी होती है। तो ये ऐसे साक्षात भगवान के दरबार में हम लोग पहुँचे हैं और ये चारों तरफ से जंगल के बीच में एक इतना सुंदर स्थान है जहाँ पर कोकलकाता के लोग भी आते हैं, भीमताल के भी आते हैं, धारी के भी आते हैं, रामगढ़ के भी आते हैं। जनपद नैनीताल के विकास खंड रामगढ़ के दूरस्थ गांव लवेशाल में विलेज लीगल एंड क्लिनिक एंड स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन सिविल जज सीनियर डिवीजन और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रिबन काटकर किया गया। इमरान ने कहा कि जागरूक व्यक्ति ही अपने अधिकारों की रक्षा आसानी से कर सकता है, इसीलिए प्रत्येक नागरिक को विधिक साक्षर बनना होगा। मसूरी के पास टीरी जनपद के कैम्प्टी फॉल में अचानक तेज बारिश के बाद जलस्तर बढ़ गया, जिससे कैम्प्टी फॉल में अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए कैम्प्टी फॉल जलस्तर के बढ़ते देख सभी को कैम्प्टी फॉल से बाहर निकाला गया। वहीं आसपास के क्षेत्र को भी खाली कराया गया। देश के स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ में धूमधाम से मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ में अध्यापक और एनसीसी के एएनओ मोहन जोशी द्वारा बताया गया कि भारत सरकार के निर्देशन में 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। कोटद्वार में भी 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां तहसील प्रांगण में गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजेंद्र अर्थवाल ने ध्वजारोहण कर नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। वहीं कोटद्वार नगर की मेयर हेमलता नेगी मालवीय उद्यान में ध्वजारोहण कर सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। वहीं पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने देश पर मर मिटने की शपथ ली। देश के स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर व्यापार संघ द्वारा गरुड़ बाजार के मुख्य गांधी चबूतरा में झंडारोपण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। व्यापार संघ के अध्यक्ष लक्ष्मी दत्त पांडे के नेतृत्व में सभी व्यापारियों द्वारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हल्द्वानी में भी लोगों में आजादी की धूम रही। यहां जिले के सभी स्थानों पर धूमधाम पूर्वक आजादी के पर्व को मनाया गया। तो वहीं हल्द्वानी के नगर निगम में मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला ने ध्वजारोहण किया, तो वहीं राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत सहित रंगारंग कार्यक्रमों के साथ स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर उप जिलाधिकारी लक्सर द्वारा दिव्यांग खिलाड़ियों द्वारा निकाली जा रही स्कूटर रैली को हरी झंडी दिखाई गई। लक्सर उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि ये स्कूटर रैली तहसील लक्सर से सुल्तानपुर भीकमपुर रायसी होते हुए लक्सर तक आएगी। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर दिव्यांग जनों की समाज में सहभागिता योगदान और अधिकारों को लेकर संदेश प्रसारित करेगा। 15 अगस्त 2021 को जनपद उत्तरकाशी के हर्षिल थाने के थानाध्यक्ष समीप पांडे को कानून व्यवस्था में उत्कृष्ट कार्य हेतु मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पुरस्कार पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार द्वारा प्रदान किया गया। गौरतलब है कि उप निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी के मुकदमों में अभियुक्तों को दिल्ली राजस्थान हरियाणा से गिरफ्तार कर जेल भेजने में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके साथ साथ उप निरीक्षक समीप पांडे द्वारा नशा कारोबारियों पर नकेल कसते हुए अवैध शराब चरस स्मैक की तस्करी करने वालों पर लगाम लगाते हुए कई अभियुक्तों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाई गई। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को थराली के सामाजिक संगठन हितैषी संगठन ने धूमधाम से मनाते हुए थराली में सामाजिक राजनैतिक पत्रकारिता सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई टिहरी के राजकीय इंटर कॉलेज बोराड़ी में जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत पहुंचे। डॉक्टर हरक सिंह रावत पर प्रशासन की लापरवाही काफी भारी पड़ी है। हरक सिंह रावत आधा अधूरा झंडारोपण ही कर पाए। डॉक्टर हरक सिंह रावत ने जब झंडारोपण किया तो वो डोर पूरी नहीं खोल पाए और
तिरंगे को आधा अधूरा ही लटकता हुआ छोड़ गए। आधा अधूरा झंडे के नीचे मंत्री हरक सिंह रावत को सलामी लेनी पड़ी, जिसके बाद प्रशासन ने चार कर्मचारियों को लेकर झंडा फहराया। झंडे को फिर से उतार कर कर्मचारियों ने फिर से झंडा फहराया। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ये देखिए, अब ये कर्मचारियों के उनकी भूल को आप उसको, कई बार हम लोग क्या करते हैं, तिल का तार बना देते हैं। अब गलती आपसे भी हो जाती है, कई बार आप माइक जो है ऊपर यहाँ लगाना चाहिए तो ऊपर लगा देते हो, मतलब नेता गलती कर सकते हैं। देखिए, अब देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा राष्ट्र पर मना, इतना देश के लिए लोगों ने कुर्बानी दी, आज उनको हम नमन कर रहे हैं। अब ऐसे अवसर पर आप ये कहेंगे साहब, कई बार हो जाती है मानवीय भूल, आपसे भी भूल हो जाती है, अच्छे अच्छे संपादकों से भी जो है कई बार बड़े बड़े संपादक होते हैं, बड़े बड़े एडिटर, उनसे भी गलती हो जाती है। मसूरी में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। मसूरी के गांधी चौक पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ध्वजारोहण किया, साथ ही सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। पहाड़ टीवी में आज के लिए बस इतना ही। पहाड़ टीवी की बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।